सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को मेरा शुभ आशीर्वाद, माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विद्यार्थी जी, मैं आप लोगों के एक ऐसा कंसेप्ट लाया और एक ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो सिजल मेंस हो। यानी ग्रुप डी में पूछा जाता है, सीएचएसएल में पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, बैंक एग्जाम में, मतलब जितने जनरल कंपटीशन होता है मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोग जहाँ 30 सेकंड 20 सेकंड लेते हैं वहां आपको 2 से 3 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर देने के तरीके सिखाने जा रहा हूँ। विद्यार्थी जी, मात्र 2 से 3 सेकंड में देने के तरीके सिखा रहा हूँ। और आप लोग को कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो सारे एग्जाम का क्वेश्चन मैं नीचे लिख दूंगा कि कौन से एग्जाम में आया। दूसरी चीज है कि आपको घर पे इसके प्रैक्टिस के लिए भी मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रखा हूँ, आप लोग को मिल जाएगा हमारे ऐप पे भी, स्टडी ट्रेंड ऐप पे भी मिल जाएगा, क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा जिसे आप बाहर निकाल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, है ना। स्टडी ट्रेंड .net पे भी मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग को सभी जगह इसके PDF भी मिल जाएंगे और आप घर पे भी बना सकते हैं। और इसके अरेंजमेंट इतनी अच्छा से मैं करके दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम आया हुआ है सीजीएल का, है ना, तो आपके लिए अरेंजमेंट करके मैं दे भी रहा हूँ कि आप एक प्रश्न पढ़ें और इस पे कितने तरीके से प्रश्न आता हो बना लें, और फिर मौके देंगे आपको फिर पूछने के लिए कि अगर कोई प्रश्न ना पूछ बना हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए एक अच्छी क्वेश्चन, अच्छी शुरुआत, अच्छी क्वेश्चन है, अच्छी शुरुआत के साथ हम चलते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि मुझे कौन से नियम से बनाना है। विद्यार्थी जी, पहले कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट सही तो उंगली पे मैथ, कंसेप्ट सही तो उंगली पे मैथ वर्ता, मतलब बिना पेन के, विदाउट पेन आप आंसर दे सकते हैं अगर कंसेप्ट सही हो तो। तो कंसेप्ट सही करने में आपको मैं 2 से 4 मिनट लेने जा रहा हूँ। 4 मिनट आप ध्यान पूर्वक हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे। एक डिस्काउंट का क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, जब तक प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट नहीं मिलता है तो आपका चैप्टर अधूरा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें है और डिस्काउंट है, दोनों चैप्टर का मिश्रण करके इस क्वेश्चन को तैयार किया जाता है और हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब देखता हूँ। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को माल को अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दिया हुआ है विद्यार्थी जी? तो तरीका नंबर फर्स्ट कहता है, फर्स्ट तरीके आप लोग को ध्यान दीजिएगा और समझने का तैयारी कीजिएगा, लास्ट में डिसीजन लीजिएगा विद्यार्थी जी कि मुझे बनाना कैसे है और विदाउट पेन बनेंगे कैसे। तो मैं अभी बहुत सारे तरीके से आप लोगों को ले चल रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तभी तो कंसेप्ट क्लियर होता है। कंसेप्ट का मतलब है मैं कई एक तरीके से घूम लूं, उसके बाद डिसीजन लेता हूं कि मुझे तरीका कौन सा अप्लाई करना है, है ना। तो सारे तरीके को देखिएगा, केयर कीजिएगा, केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी। तरीके नंबर फर्स्ट कहता है कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, 11,900 रुपये आप लोग का दिया हुआ है विद्यार्थी जी, कह रहा है क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या चाहिए। आप लोग की कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है विद्यार्थी जी 11,900 रुपये, 11,900 रुपये, और हम लोगों का मार्क प्राइस अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो आप लोग जहां कहीं भी पढ़े होंगे इतना तो जरूर पढ़े होंगे कि कॉस्ट प्राइस का रिलेशन विद्यार्थी जी लाभ हानि से होता है। कॉस्ट प्राइस का रिलेशन लाभ हानि से होता है, तो क्रय मूल्य का तुलना 100 से ढूंढेंगे कितने परसेंट का लाभ हुआ है विद्यार्थी जी। जैसे ही कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो उसका रिलेशन लाभ हानि से होता है, तो कितने परसेंट का लाभ लिए हैं, तो 20% का लाभ। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य यानी 120। अब आप लोग सेलिंग प्राइस के पास पहुंच गए विद्यार्थी जी, अब सेलिंग प्राइस से अंकित मूल्य कैसे जाएंगे सीखिएगा। 16% का डिस्काउंट है, 16% की छूट है, तो 16% छूट का मतलब होता है अगर अंकित मूल्य 100 तो बेचा गया है 84 में, तो सेलिंग प्राइस का तुलना विद्यार्थी जी सेलिंग प्राइस से अगर अंकित मूल्य निकालनी है तो 100 से गुना। अब आप लोग देख रखे हैं, फिर से मैं एक बार बातें कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले कर रहा हूं कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप लोग 1 सेकंड में कैसे बनाओगे वो तरीके देने जा रहा हूं। मैं फिर से लिख रहा हूं, मैंने आप लोगों से कहा विद्यार्थी जी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस का रिलेशन होता है लाभ हानि से, कॉस्ट प्राइस का रिलेशन लाभ हानि से होता है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य विद्यार्थी जी 120।
अब इतना में बिकता है कब, जब 16% का डिस्काउंट देता है तब। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालनी है 100 से गुना। आशा करते हैं बिल्कुल यही तरीके आप लोग अपनाते भी होंगे, लेकिन आप लोग को टाइम लग जाता है। हम अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। 100 से 100 खत्म, 12 से 7 बार में, 7 से विद्यार्थी जी 17 बार में, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा 17,000। अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 12,900 था, माफ करिएगा 10 ज्यादा मैंने लिख दिया है। खैर छोड़िए, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, है ना, यहाँ पे 10 ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 17,000। 17,000 अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी सी होगा। लेकिन मैं अब बातें करने जा रहा हूं कि एक सेकेंड तरीके का। सेकेंड तरीका क्या कहता है विद्यार्थी जी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग की कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 11,900 रुपए, 11,900 रुपए, और आप लोगों को मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, तो समझने का तैयारी कीजिएगा। पहली बार करा 16% का छूट, तो 16% छूट का मतलब विद्यार्थी जी 100 का सामान बेच रहा है 84 में, 100 का सामान बेच रहा है 84 में, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी 4 से कट जाएगा 25:21 अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। 20% लाभ का मतलब विद्यार्थी जी क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 120, क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 120, यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जी 5:6। अब ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु एक है तो सेलिंग प्राइस भी दोनों जगह सेम होना चाहिए, रेशियो का ऐसा नियम कह रहा है, तो दोनों जगह सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए विद्यार्थी जी। क्या आपका सेलिंग प्राइस सेम है? तो आपका जवाब होगा नहीं है। तो पहले सेलिंग प्राइस हम सेम कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए विद्यार्थी जी 2106 से कटने वाली राशि 42 लाने के लिए इसको 2 से गुना, और यहां 42 लाने के लिए विद्यार्थी जी 7 से गुना। इससे आप लोग को पता चल गया होगा कि अंकित मूल 50 है, विक्रय मूल 42 है और क्रय मूल 35 है। तो जो दिया हुआ है उसका बैलेंस उससे कर लो। 11,900 क्या दिया हुआ है विद्यार्थी जी? तो 11,900 आप लोग का दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का तुलना विद्यार्थी जी 35 से। मुझे मार्क प्राइस निकालनी है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 50। 5 से कट जाएगा 7 बार में, 7 से कट जाएगा 17 बार में, अर्थात हम लोग का आंसर हो गया विद्यार्थी जी 17,000। हम लोग का आंसर हो गया 17,000। अब आ जाते हैं जो आप लोग की जरूरत है। ये दोनों तरीके में आपका टाइम लग गया। तीसरी तरीके क्या कहता है विद्यार्थी जी, समझने की तैयारी कीजिएगा। तीसरी तरीके जो बेस्ट तरीका है विद्यार्थी जी, जो आप लोग का बेस्ट तरीका है इसकी बात करेंगे। केयर कीजिएगा। 16% छूट का मतलब विद्यार्थी जी अंकित मूल पर 16% का छूट, यानी बेचेगा विद्यार्थी जी 84% में। 20% लाभ का मतलब क्रय मूल पे लाभ लिया जाता है, यानी बेचेगा क्रय मूल का 120%। और ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है विद्यार्थी जी, अर्थात दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब कभी भी दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट लेते हैं विद्यार्थी जी। तो जल्द से रेशियो निकाल लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से परसेंट कट जाएगा, 12 से 7 बार में कट जाएगा, अर्थात रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 10:7। अब आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि 11,900 रुपये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस का तुलना कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकालनी है 10 से गुना। 17 बार में कट रहा है विद्यार्थी जी, अर्थात आप लोग का आंसर 17,000 रुपये। अब देख सकते हैं इस तरीके का यूज हम कैसे करते हैं, एक सेकेंड में सीखिएगा। अर्थात मैं आप लोग को सिंपली वे में ये बोल सकता हूं विद्यार्थी जी कि अगर आप लोग को अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो लिखना है तो आप बिना सोचे समझे एक सेकेंड में इस तरह का रेशियो लिख ले। ध्यान दीजिएगा, 16% छूट का मतलब 84, यानी 84 इधर कर देंगे विद्यार्थी जी। 20% लाभ का मतलब 120 इधर कर देंगे, एक सेकेंड का मामला हो जाएगा। अब जल्द से जल्द रेशियो लिखा गया। इस पे कई एक तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सारे तरीके आपको लेकर आ रहा हूं, देखिएगा एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। अब देख लीजिए 11,900 रुपया क्या दिया हुआ है,
तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस का बैलेंस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस निकालनी है, 10 से गुना 17 बार में हो जाएगा, अर्थात देखते के साथ आप 17,000 बोल सकते हैं। विद्यार्थी जी मैं फिर से बोल रहा हूं, तीसरी तरीके लिखने की तरीके, जल्द से जल्द आप लोग को एमपी और सीपी का रेशियो लिखने की तरीके सीखिएगा, क्योंकि उलट जाता है। तो जो अंकित मूल से रिलेशन है वो क्रय मूल के लिए, तो 16% बट्टा मतलब अंकित मूल से रिलेशन है, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, अंकित मूल बड़ा होता है क्रय मूल छोटा होता है, अंकित मूल बड़ा होता है क्रय मूल छोटा होता है। तो छोटा को हम लोग को लिखना नहीं, घटा के लिखना है, तो क्रय मूल छूट की मतलब घटा कर लिखना है तो क्रय मूल, और लाभ का मतलब जोड़ कर लिखना है तो विक्रय मूल अंकित मूल। अब जितनी जल्दी हो रेशियो लिख लीजिएगा विद्यार्थी जी, यानी घटा के लिखना है क्रय मूल और बढ़ा के लिखना है तो अंकित मूल। इसका मतलब हो गया कि ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, क्रय मूल छोटा और अंकित मूल बड़ा, कई एक तरीके का कंसेप्ट आपके दिमाग में नाच जाएगा, और विद इन सेकेंड में रेशियो लिख लीजिएगा, पर सेकेंड में रेशियो लिख लीजिएगा। तो आप लोगों का एक क्रय मूल दिया हुआ है, क्रय मूल का तुलना क्रय मूल से 7 बार में, अंकित मूल निकालना है 10 बार में, 17 से कट गया विद्यार्थी जी, देखते के साथ आंसर 17,000 हो जाएगा। कितने सेकेंड का मामला है, फिर से मैं समझाने का प्रयास लास्टली बोल रहा हूं कि जब कभी भी इस तरह से रहे तो एमपी और सीपी का रेशियो लिखने की तरीके, बड़ा वाला एमपी छोटा वाला सीपी, बड़ा वाला एमपी छोटा वाला सीपी। तो एमपी का मतलब है 20% लाभ मतलब 120 और 16% डिस्काउंट यानी 84। अब जल्द से जल्द रेशियो लिख लीजिएगा। अब आपके दिमाग में 11,900 दिया हुआ है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन में सीपी, सीपी का तुलना सीपी से एमपी निकालना है 10 से गुना अर्थात 17 बार में 17,000, अर्थात आपका आंसर सी देखते के साथ आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए मैं कैसे कितने तरीके से क्वेश्चन आता हो, बारी बारी से सब कुछ समझा देता हूं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गई तो अंगली पे मैथ नाचने लगेंगे, कोई रोना धोना नहीं, कोई जहर नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है क्वेश्चन एग्जाम का। आगे देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे लेकर आया हूं, देखिएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल पर 18% छूट देता है, फिर भी 6.6% का लाभ कमाता है, तो लागत मूल क्रय अंकित मूल से, अंकित मूल क्रय मूल से कितना परसेंट अधिक है? तो आप जल्द से जल्द विद्यार्थी जी क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो सीखेंगे, केयर कीजिएगा। आपने कहा 18% का छूट, यानी कि क्रय मूल हो गया विद्यार्थी जी 82, 6.6% का लाभ यानी 106.6। अब जितना जल्दी रेशियो लिख लीजिएगा, दशमलव हटेगा 0 इधर आ जाएगा, 82 से काटिएगा विद्यार्थी जी 13 बार में कट रहा है, अर्थात 100 का समान 130 यानी कितने परसेंट अधिक विद्यार्थी जी देखते के साथ बोल सकते हैं कि 30% अधिक अंकित किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देख लीजिएगा, लागत मूल से कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है? तो ये 100 तो यहां हो जाएगा 130 यानी कितना परसेंट अधिक विद्यार्थी जी 30%। ऐसे भी रेशियो का कंसेप्ट कहता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, मतलब रेशियो सिर्फ चाहिए क्रय मूल और अंकित मूल का, क्रय मूल और अंकित मूल का। बहुत सारी जगह तो डायरेक्ट पूछा ही जाता है क्रय मूल अंकित मूल का रेशियो, मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं, देखिएगा विद्यार्थी जी। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से एक नई बेस्ट क्वेश्चन के साथ विद्यार्थी जी डायरेक्ट पूछा जा रहा है, केयर कीजिएगा, क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो, क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी। तो क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो अभी सीखे हैं, समझने का तैयारी कीजिएगा, एक सेकेंड का मौका लीजिए। 8% अधिक, देखिएगा क्रय मूल से 8% अधिक यानी कि विद्यार्थी जी 108 हो गया। आगे देखिए 10% की छूट अर्थात 90 हो गया। अब 0 से सॉरी माफ करिएगा, हम लोग को 9 से कट जाएगा विद्यार्थी जी 12 बार में, अर्थात 5:6 देखते के साथ आंसर आपके साथ मौजूद है। ये भी आपको सीजीएल देखिएगा 2020 का ही क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, तो आशा करें आप देखते के साथ आंसर मार सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, समझने की तैयारी कीजिए, क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो चाहिए। यहां एक क्वेश्चन लिखने की एक छोटी सी तरीके चेंज क्या है,
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है, तो 8% अधिक है मतलब 8% का लाभ है, वही बात है, क्रय मूल्य से 8% अधिक मतलब 8% का लाभ, तो 8% लाभ लिखे या इस तरह से लिख दे, तो 8% लाभ का मतलब हो गया विद्यार्थी जी अंकित मूल्य 108 और घटा के लिख देंगे क्रय मूल्य 90। अब 9 से कट गया विद्यार्थी जी 12 बार में, अर्थात रेशियो हो जाएगा 5:6। देखते के साथ आंसर सेकेंड में मार सकते या ना मार सकते एक बार कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी इस वीडियो में 100+ कमेंट आ गया तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए फिर से तत्पर रहूंगा कि कब जुड़ें, और कमेंट नहीं आता है तो लगता है विद्यार्थी हम पे ध्यान नहीं दे रहे, दोनों तरह से हाथ चलते विद्यार्थी जी, आप हमारे ओर ध्यान देंगे तभी आपकी ओर मैं दूंगा, तो बस छोटा सा प्यार चाहिए, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, जाकर के वीडियो में कॉमेंट अवश्य कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर अच्छा बोलेंगे, खराब लगा तो भी जरूर बोलिएगा, जैसा आपको अनुभव हो उस तरह की बातें जरूर करिएगा। तो फिर से मैं देखिएगा सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, टायर 2 का मेंस का क्वेश्चन है 2020 का ही है, देख लीजिए। सबसे पहले मैं क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो विद इन सेकेंड की बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा 16% छूट यानी क्रय मूल हो गया विद्यार्थी जी 84, 18% का लाभ यानी अंकित मूल हो गया 118, कटता है तो काट लीजिए, 2 से कटेगा 42 बार में, 2 से काट लेंगे विद्यार्थी जी 59 बार में। अब आप लोग देखिएगा 840, हालांकि काटने से फायदे यहां नहीं था, काटने से यहां फायदा नहीं था, 840 रुपया कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 840 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है विद्यार्थी जी, तो कॉस्ट प्राइस का तुलना कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकालना 118 से गुना, एक सेकेंड का मामला है विद्यार्थी जी, देखते के साथ आप बोल दीजिएगा, मुझे समझाना पड़ रहा लिखना पड़ा तब, अन्यथा मैं देखते के साथ 840, 84 को 840 कर रहा 10, तो इस पे भी 10 बैठा देंगे आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए सीजीएल टायर 2 मेंस का भी क्वेश्चन है, एमटीएस में भी आया है, ग्रुप डी में भी आया है, जहां जाइएगा वही इस क्वेश्चन मिलेगा, लाभ हानि का सबसे वीआईपी क्वेश्चन कहलाता है क्रय मूल और अंकित मूल का रिलेशन। फिर से एक बार विद्यार्थी जी नई क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, अंकित मूल 1280 रुपया है, क्रय मूल निकालना है, तो क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो सीखिएगा विद्यार्थी जी, क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो जल्द से जल्द सीखिएगा। 30% छूट यानी कि क्रय मूल हो गया 70, 12% लाभ का मतलब हो गया 112। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी 7 से 16 बार में, अब वहां देखिएगा 1280 दिया हुआ है, अंकित मूल का तुलना 16 से गुने 7, 16 8 7 यानी 8 7 56, सॉरी माफ कीजिएगा क्रय मूल 10 है 10, ध्यान दीजिए 16 8 7 अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी कितना हो जाएगा 800, सो आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। आपने देखा देखते के साथ आपके पास आंसर मौजूद हो जाता है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं समझने की तैयारी कीजिए, मैंने आप लोगों से कहा क्रय मूल और अंकित मूल लिखिए, आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी जी 30% छूट यानी घटाने की बात किया गया है तो क्रय मूल लिख ले, 12% लाभ जोड़ने की बात किया गया यानी 112 बड़ा वाला अंकित मूल लिखेंगे, 7 से विद्यार्थी जी 16 बार में, 1280 जो दिया हुआ है विद्यार्थी जी अंकित मूल का तुलना 16 से, क्रय मूल निकालनी है 10 से गुना, 16 8 7 अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 800, देखते के साथ आंसर मार सकते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को आसान लगा होगा, फिर से सीखिएगा, आपका डायरेक्ट अभी क्वेश्चन ही पूछ रहा है विद्यार्थी जी क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो, आप खुद देख लीजिए, ए बी सी जेल का क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, अंदाजे मैं नहीं लिखता हूं, हूबहू डाटा आपका क्वेश्चन का है, 21% छूट का मतलब विद्यार्थी जी 79, 21% का लाभ यानी अंकित मूल 121, अर्थात देखिए और आंसर मार दीजिए 79 और 121 क्रय मूल और अंकित मूल, लेकिन क्वेश्चन में एक थोड़ी सी बदलाव क्या है, क्रय मूल और विक्रय मूल का रेशियो पूछ रहा है विद्यार्थी जी, ये और आसान हो गया क्योंकि क्रय मूल का रिलेशन लाभ हानि से होता है, क्रय मूल का रिलेशन लाभ हानि से होता है, तो 21% लाभ का मतलब विद्यार्थी जी क्रय मूल 100 तो विक्रय मूल 121, देखिए और आंसर मार दीजिए, अर्थात आपका आंसर सी, अगर क्रय मूल अंकित मूल पूछता तो यहां आंसर देते,
क्रयमूल और विक्रयमूल पूछ रहा है तो इस आंसर को मार देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह का बहुत सारे हमारे कंसेप्ट है विद्यार्थी जी, सिर्फ रेशियो का कंसेप्ट चलता है, सारी जगह जाएंगे बस एक ही कंसेप्ट इसमें कुछ था, दो राशि आपस में बराबर है अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को लड़ देंगे, मतलब अंकित मूल वाले क्रयमूल के लिए, क्रयमूल वाले अंकित मूल के लिए, एक सेकंड का मामला है विद्यार्थी जी। और इसी को लोग लंबे चौले लिख देते हैं और बोलते हैं जहर है, रोना धोना 12 17, ये सब कुछ नहीं होता है, दिमाग कंसंट्रेट करके कंसेप्ट पर ध्यान दो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी वीडियो सचमुच आपको पसंद पड़ी हो कॉमेंट करना ना भूलेंगे, और ना पसंद पड़ी हो तो और लिखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो ना पसंद पड़े तो और दो चार कमेंट लिखेंगे, जिससे कि मैं और अच्छा करके आऊं। लेकिन लिखना मत भूलेंगे, बिना लिखे केवल देख लेते हैं, देखने वाले होते हैं 1,00,000 स्टूडेंट तो कमेंट करने वाले होते हैं मात्र 100। मैं चाहता हूं कि अगर 1,000 विद्यार्थी देखते हैं तो 1,000 कमेंट भी मेरे पास आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमको इनसे जुड़ने से फायदे है तो कॉमेंट अवश्य कीजिए, है ना। बेकार का टाइम अगर नष्ट होता है तो बिल्कुल आप लिख दीजिए कि सर आपकी वीडियो से बेकार का टाइम मुझे नष्ट हो गया, ऐसा कुछ लगता है तो बस लिखे। मैं टाइम का वैल्यू देता हूँ, समय का वैल्यू देता हूँ, आपके समय की बहुत बड़ी कीमत है, इसलिए मैं उसी वीडियो को लेकर आता हूँ जिससे आपको कोई फायदे हो। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको फिर से दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े, मुझे अच्छा लगा, आपका प्यार आपका स्नेह मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आपको साथ जुड़ने का प्रयास करता हूँ। पुनः अगली वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तो आप एक बार इस पे कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए धन्यवाद।